पिछड़ा बोले कि मैं जाति खत्म कर दूंगा तो कर देगा क्या? किसकी जिम्मेदारी थी जाति खत्म करने की? वैसे लोगों की जो इस देश के सत्ता संसाधन सबके शीर्ष पे बैठे थे, जो न्यायाधीश थे, जो मंत्री थे, जो बड़े अधिकारी थे, जो संस्था चलाते थे, जो विश्वविद्यालय चलाते थे, इनकी जिम्मेदारी खत्म करने की थी जाति। क्या इन्होंने जातियां खत्म की? नहीं। तो जिस जाति का भाई चांसलर वो उसी जाति का बनाएगा प्रोफेसर, तो जाति कैसे खत्म होगी? इसलिए मैं जाति खत्म करने में अपनी एनर्जी खराब नहीं करता, मैं जमात बनाने में विश्वास करता हूं। जिस दिन जमात हमारे साथ आएगी उस दिन आपको बताएंगे कि मेरिट क्या है, कैसे सिलेक्शन कमेटी होती है। बहुत सारी बातें हैं साथियों, और कभी और इस विस्तार से चलते चलते एक बाबा साहब की पंक्ति आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी संविधान नहीं होता है, में यह मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता, ताना की ओर ले जाने का मार्ग यह होता है। इसलिए किसी भी नेता की भक्ति नहीं करनी है, ये बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि वोट आपको ही देंगे लेकिन आंख कान बंद करके नहीं, आपसे सवाल भी पूछेंगे। अगर आप सवाल का कन्विंसिंग जवाब नहीं देंगे तो आपको साइड करेंगे अपने समाज के नौजवानों से। हजारों नेता पैदा करेंगे। ये लड़ाई, ये संघर्ष, एक नेता को आएगा कि मैं आपकी मोक्ष करा दूंगा तो मोक्ष आपके ईश्वर ही करा सकते। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोक्ष एक नेता नहीं, हजारों नेता की जरूरत है। घर घर में भीमराव अंबेडकर, घर घर में कांशीराम, घर घर में कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, ललन सिंह यादव, ये सब बनाना पड़ेगा तभी आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो मनुस्मृति का संविधान तैयार है। अभी तो 5 साल ट्रेलर खाली हुआ, फिल्म का ट्रेलर नहीं देखते, वो ट्रेलर चल रहा है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की एक तरीके से आधी हत्या कर दी जाती, तो नेता कहां से थे आप में? आपको अपने बेटा को इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, आंदोलनकारी आपकी जिम्मेदारी है, बनती है बनाने की। जो गांव का मंगरुआ चाचा मजदूरी कर रहा है वो अपना बेटा को आंदोलनकारी नहीं बना सकता है। इसलिए आपने 2 पीढ़ी आपने ली है, अब आपको समाज को वापस करने की जिम्मेदारी है। ये नहीं, एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं, विचारों और खून के उबाल में ठंडा आ जाना ये बुरी बात। तो इसलिए वो करोड़ अरब खरब छोड़िए, पढ़े लिखे लोग जितना बैठे हुए जो अपना अपना ठीक कर लिए, अपने बच्चों को भेजिए। बाबा साहब जय भीम कह रहे हैं तो बाबा साहब की तरह उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि इस देश में लीडर की जरूरत है, डीलर की जरूरत नहीं है। 70 साल में हमने देखा ना, डीलर तो डीलर नहीं, लीडर चाहिए। लीडर का मतलब खाली एमएलएम भी नहीं होता है, हम कहां हैं, समाज में घूम रहे हैं पूरे देश भर में। हमें इंटेलेक्चुअल लीडर चाहिए, हमें पत्रकार चाहिए, हमें इतिहासकार चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज गुलाम होता है। मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, तो इतिहास में क्या खेल होता है एक लाइन में समझा देता हूं। आप लोग समझते हैं कि डॉक्टरी पढ़ लिया या इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो सबसे ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री या साहित्य पढ़ने वाला थोड़ा कमजोर, गलत फहमी निकालिए दिमाग से। जब भी सरकारें बदलती है तो IIT या डॉक्टरी का सिलेबस नहीं बदलता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, सबसे पहले क्या कहता है, इतिहास का सिलेबस बदलो। कहता है कि नहीं कहता है? क्यों? क्योंकि इतिहास, अब तो जो सरकार है ये तो कथा को भी इतिहास बना के पढ़ा देगी, कथा को भी इतिहास बना के पढ़ा देगी। इसलिए सारा खेल इतिहास में होता है। हमारे समाज ने
पढ़े लिखे जमात में एक शिकायत भी कर रहा हूं, सब अपना लगा हुआ अपना बेटा को इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनाने में, कोई बेटा कोई आंदोलनकारी नहीं बना रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं बना रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं बना रहा है, कोई वकील। तो क्या पड़ोसी का बेटा आंदोलनकारी है, मेरा बेटा मैनेजमेंट गुरु, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, तो इस जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो आपका जय भीम कहना और जय फूले कहना ये सब बेकार के खाली बाहरी दिखावा होगा। क्योंकि आप बताइए, जब जब शनिवार रविवार हमें छुट्टी मिलता है, जो साथी सोशल मीडिया पे हमें जानते हैं, घर परिवार छोड़ के हर समय कहीं कहीं घूमता रहता, अगर हजारों की संख्या में हमारे जैसे लोग होते तो कहीं वो पटना वो चला जाता, बेगूसराय कोई और चला जाता, तो हमने क्यों नहीं क्रिएट किए हैं? आपको आत्ममंथन करके घर में जाकर आत्ममंथन करना है और ये सोचना है, नहीं तो ये पूरा कार्यक्रम परिनिर्वाण दिवस मनाना या जन्म दिवस मनाना एक खाली एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। साथियों, चलते चलते दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हैं, मैं चाहता हूं कि दुष्यंत की पंक्तियां आपसे साझा करूं। ठंडा हो गया है, मुझे भी जाना है, अभी लंबा सफर तय करना है, तो दुष्यंत की कुछ पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं, और शायद ठंडा के मौसम में लगे कुछ गर्मी बढ़ जाए तो बेहतर होगा। दुष्यंत लिखते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। किसकी बुनियाद? मनोवाद और पूंजीवाद दोनों का, ध्यान रखिएगा, दोनों का, दोनों में आजकल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों खाली लेता लेता ये देता कुछ नहीं, ठीक है। हर सड़क हर गली, हर नगर हर गांव, हर सड़क हर गली, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर हम लोग अपनी नौकरी जान दांव पे लगाकर जो माहौल है देख रहे हैं, अगर समझ रहे हो, और वो वीडियो नरेंद्र मोदी के पास है और उन्होंने जांच की मांग की है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।